आज हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं दानापुर से लेकर के सगुना मोड़ तक बनने वाले 8 लेन रोड का क्या वर्क प्रोग्रेस है, आइए देखते हैं। पटना जिले का दानापुर स्टेशन 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। एक मुख्य रेलवे स्टेशन है आर्यभट्ट की भूमि, और इधर से थोड़ा सा आगे गाड़ीखाना है, वहाँ से लेकर के सगुना मोड़ तक के रोड के चौड़ीकरण किया जा रहा है। 8 लेन रोड का निर्माण किया जा रहा है, आइए उसका अपडेट देने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखते हैं दानापुर कैंट 6 किलोमीटर, सगुना मोड़ 4.5 किलोमीटर, सचिवालय 13 किलोमीटर, पटना हाईकोर्ट 14 किलोमीटर, पटना 16 किलोमीटर, तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब 22 किलोमीटर है, और गुरुद्वारा हांडी साहिब यहाँ से 8 किलोमीटर। इलेक्ट्रिक बस पटना की शोभा बढ़ा रहा है, लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है इस बस से आने जाने में। एक तरफ इलेक्ट्रिक बस है तो दूसरी तरफ CNG बस पटना में चल रही है। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया अभी चौड़ा नहीं होगा, इसके आगे का जो एरिया है जहाँ से रेल रोड का स्ट्रेचिंग हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। कितना काम हुआ है, क्या प्रोग्रेस है, वो सब कुछ दिखाने की कोशिश हम करते हैं। देख रहे हैं सामने संकीर्ण है रास्ता, लेकिन उससे आगे आपको चौड़ा रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ के बाद जो चौड़ाई है रोड की वो बढ़ गई है, और 8 लेन तो अभी यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन जो पीछे रास्ता छूटा है उससे यहाँ की चौड़ाई अधिक है, और यहाँ पे डिवाइडर बीच में दे दिया गया है, और डिवाइडर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में साफ कि इस तरफ ये कितना चौड़ा है और उस तरफ कितना चौड़ा है, यानी कि इधर अभी काम होना बाकी है। रास्ते में कई मंदिर है, ये देख सकते हैं सामने आपको दिख रहा है, और कुछ पेड़ भी उधर दिख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे और चौड़ा रास्ता मिलेगा। आई लव खगौल का बोर्ड वहाँ पे सामने रखा हुआ है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर रोड चौड़ा हो गया है। इस तरफ पे आप पे जो चौड़ाई है रोड की ये देख सकते हैं, हालांकि उधर अभी खाली है लेकिन चौड़ा हो गया है, उस तरफ भी कुछ काम हुआ हुआ दिख रहा है। इलेक्ट्रिक बस आपके सामने से क्रॉस कर रहा है, और ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे इनको जगह मिला है वैसे वैसे ये चौड़ा किए हैं, और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ है आगे फिर चौड़ा हो गया है। जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, वैसे तो ये कंप्लीट है, अर्धनिर्मित सा है, और जितना जहाँ जहाँ चौड़ीकरण हुआ है वहाँ पे अतिक्रमण भी हो गया है, तो अगर अतिक्रमण मुक्त पूरी तरह से निर्मित हो जाए तो 8 लेन का सड़क, सोचिए कि खगौल से जब आप बड़े सगुना मोड़ से जब आप दानापुर स्टेशन या दानापुर स्टेशन से खगौल ये सगुना मोड़ जाइएगा तो एक सीध में ये रास्ता अगर देखा जाए तो काफ़ी चौड़ा है। पटना का सबसे चौड़ा रास्ता तो वैसे बेली रोड अभी है तत्काल में, लेकिन उससे भी चौड़ाई इसकी कहीं कहीं पे ज़्यादा होगी। ये देख सकते हैं तस्वीरों में साफ कि कुछ जगह पे काम अभी बचा हुआ है, तो कुछ जगह पे काम जब फिनिश हो गया होगा। आप लोगों के द्वारा लगातार डिमांड किया जाता है कि इसका अपडेट दीजिए। अब देखिए रोड पर कैसे ये एकदम चौड़ी रोड होने का नतीजा देखिए, तो जितना सुविधा लोगों को मिलता है उतना ही उसका दुरुपयोग भी शुरू हो जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चौड़ाई अच्छी खासी हो गई है, और कुछ जगह पे काम बचा हुआ है, छोटी छोटी पुलिया भी है जिसका निर्माण होना बाकी है या हो गया है, वो उनकी वजह से भी कहीं कहीं पे कंजेशन आपको दिखेगा, एक सीध में अभी नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे इनको क्लियरेंस मिलता जा रहा है वैसे वैसे काम होता जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर ये संकीर्ण हो गया है, बोर्ड है, गुमटी है, और नाला
नुमा है, यहाँ पर छोटा सा पुलिया बना हुआ है, देख सकते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सगुना मोड़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आपको पूरी तस्वीर आपके कैमरे में कैद हो रही है और इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना काम इसका हुआ है और कितना बाकी है, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं सगुना मोड़ से लेकर के दानापुर तक जो डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पे आपको जिस हिसाब से आबादी नया पटना अगर देखा जाए तो नया पटना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कई तरह के बड़े बड़े अपार्टमेंट, मकान, शॉपिंग मॉल, शॉप्स, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे मिट्टी का ढेर दिख रहा है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है। उस तरफ भी आपको दिख रहा है जो डिवाइडर है, डिवाइडर के उस पार भी कंक्रीट हुआ है और यहाँ भी डिवाइडर के इस पार देख रहे हैं कि कंक्रीट हुआ है और यहाँ पर देखिए काम। तो इस तरह का इसका चौड़ाई, ये पूरा इसका ये डेप्थ है, ये 8 लेन का आपको यहाँ से लेकर के वहाँ तक दिखेगा। तो देख सकते हैं अभी फिलहाल तो पूरा नहीं है, जब चालू हो, अभी बन रहा है, काम चल रहा है और ये सब बाधाएँ धीरे धीरे अब दूर हो रही है, ये देख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं सामने, इसका पुराना वीडियो भी, ये रोड कैसा दिखता था, कैसा सगुना मोड़ से लेकर के खगौल तक दिखता था, उसका वीडियो भी मैंने बनाया है। इस रोड के निर्माण के पहले जब ये 2 लेन का हुआ करता था, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी सुकून मिलेगा और उस वीडियो को देख करके। अब यहाँ पे 8 लेन की सड़क बन गई है, देखिए झटका मार के चल रहे हैं और यहाँ पर ये देख सकिए, ये सब कृपया धीरे जाए, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये सब बाधाएँ हैं जो अभी ख़त्म होनी बाकी है। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर रोड की चौड़ाई हुई है और काम बाकी है। यहाँ के बाद कुछ जगह पे थोड़ा सा कम है, बाकी लगभग देखा जाए तो फुटपाथ वगैरह भी बन गया है, कुछ जगह बनना बाकी है, कई तरह का काम होना है इसमें। ये चलिए हम बढ़ रहे हैं अभी सगुना मोड़ के तरफ, पटना का सबसे बड़ा गोलंबर सगुना मोड़ ही है। इसी तरह से अगर अतिक्रमण रहेगा रोड पे तो फिर रोड की चौड़ाई बढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकल जाता है। और ये देख सकते हैं, इन सबको भी व्यवस्थित करवाना होगा और एक थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना फिर रोड की चौड़ाई बढ़ाने का से क्या फ़ायदा होगा। ये तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं किस प्रकार से काम इसका यहाँ पे कुछ जगह पे काम होता हुआ चल रहा है, जो दिख नहीं रहा है लेकिन हो रहा है काम, ये तो पता है। देखिए यहाँ पर आपको पूरा लेंथ है, इस रोड की पूरी चौड़ाई आपको देखने को मिलेगा। ये लास्ट जो ब्रिज है, माइनर ब्रिज है, और वहाँ जो बालू है, बालू के बाद मिट्टी है, जो मकान दिख रहा है, अपार्टमेंट दिख रहा है, वहाँ तक देख सकते हैं कितना चौड़ा ये है। यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा कितना चौड़ा है, ये चौड़ाई होगी 8 लेन की। समझिए कि कहाँ जाएगा ये, कैसा होगा ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर, समझ सकते हैं किस प्रकार से लोग इस चौड़ाई का फ़ायदा उठा पाएंगे अगर अतिक्रमण नहीं रहा। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ये सब बचा हुआ है, यहाँ पर भी कंक्रीट ब्लैकटॉप नहीं हुआ है, ये सब बचा हुआ है अभी, और यहाँ पर कुछ जगह पे हुआ है तो क्लियर है, ये देख सकते हैं अभी काम बाकी है, ये देख सकते हैं। दानापुर कैंट यहाँ से 2.7 किलोमीटर है, सामने जो बोर्ड दिख रहा है उसे दूरी लिखी हुई है, IGIMS से 6.2 किलोमीटर है, आगे जाके दाहिना मुड़ के सीधा जाना है, JP सेतु 7 किलोमीटर है, हवाई अड्डा 7.4 किलोमीटर है, हवाई अड्डा आप मेरे पीछे से भी जा सकते हैं, आयकर चौराहा, इनकम टैक्स गोलंबर 10 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी पुल का निर्माण होना बाकी है। तो ऐसे कई काम बाकी हैं अभी और कुछ हो भी रहा है। गांधी मैदान अगर देखा जाए तो 12 किलोमीटर है और PMCH 14.6 किलोमीटर है, यानी कि PMCH से हम 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं और पटना के
पटना के धड़कन, पटना का धड़कन कहे जाने वाले, पटना का हार्ट कहे जाने वाले गांधी मैदान से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि उधर हो गया है पूरी तरह से कंप्लीट 4 लेन, और इस तरफ कुछ काम बाकी है देख सकते हैं ये, लेकिन अतिक्रमण भी देख सकते हैं। सामने सगुना मोड़ है, यही सगुना मोड़ है, इसी को सगुना मोड़ कहते हैं। बहुत बड़ा सर्कल पटना का, और उस तरफ बेली रोड चला जाता है, गांधी मैदान रास्ता चला जाता है। गांधी मैदान से जो ग्रीन वाला बस है वो उधर से आ रही है, ये देख सकते हैं। और ये है सगुना मोड़ का गोलंबर, जो आप जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं। अच्छे अच्छे मॉडल पे किस प्रकार से पोस्टर छाट करके बर्बाद किया जाता है ये देखिए सामने, यही है सगुना मोड़। तो आप देखिए, तो फ्रेंड्स आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर अब धीरे धीरे ये अब अपना शेप लेने लगा है पूरी तरह से। कुछ समय इंतजार कीजिए, मुझे लगता है कि जल्द ही ये पूरी तरह से 8 लेन का हो जाएगा और आपको इसका लाभ मिलने लगेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंसान का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।